वचन जो है कितना मधुर, तेरा वचन जो है कितना मधुर, मर हाथ मेरे दोनों नियन, दुख जो सहा तूने मेरे लिए, भूलूंगी ना मैं जीवन भर, ओ प्रभु यीशु कितना अच्छा है तू, मेरा ये जीवन तेरे कमाए। और जब हमारे सब बहन भाई इतने 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 छोटे छोटे थे, किसी को कमाने खाने का किसी चीज़ का होश नहीं था, तब मेरी उम्र थी लगभग 10 साल की थी मैं, तो मम्मी सब्जी मंडी जाके और हमारा पेट भरती थी, सब्जी बेचती थी थोड़ा थोड़ा, शाम को आके हमारा चूल्हा जलाती थी, हम लोगों को खाना खिलाती थी, थोड़ा गुल्लक में डालती थी, थोड़ा ऐसे जोड़ जोड़ के, फिर मम्मी ने थोड़ी जगह ली, ऐसे करके हमारा घर बसर चला। उसके बाद हमारी लाइफ शुरू हुई, मेरी शादी हुई थी 26 जनवरी को, उस समय 15 थी मेरी। फिर उसके बाद प्रेग्नेंट हुई, किसी ने मुझसे बोला कि तू छत पे चढ़ जा, तो दुश्मन ने बोला, किसने बोला, मैं चढ़ गई, समझ तो थी नहीं उन दिनों में, तो फिर वहाँ से कूदी मैं, तब से मेरी डीएनसी ख़राब हो गई। मेरी लाइफ में बहुत दुख हुए मेरे, तो कभी बीमार पड़ गई, कभी सास का ताना, कभी समाज का ताना, तेरी औरत को बच्चा नहीं होता, तू शादी कर ले, ऐसा वैसा, बहुत लोगों से सुना, फैमिली से सुनना पड़ा, बांझ ये तो इसको औलाद नहीं होती, बांझ इसको छोड़ दो, इसके इसका तो मुँह देखने में पाप लगता है, इससे दूसरी लेके आ जाओ तुम लोग, तो या पहले तो बोलने लगे इसकी बहन से शादी कर लो, इसको छोड़ दो, एक बहन दो घर में रह जाएगी। मैं खूब रोती थी, किसी की शादी होती तो कोई ऐसा बोलता है कि इसके पास मत जाओ, ये पल्ला काट लेगी तो अपनी चोटी काट लेगी, कुछ कर देगी, इसको औलाद नहीं होती, इसको औलाद मत दिया करो, इसके पास मत बैठा करो। घर की सास ने बोला मेरी नंद से कि इसके पास मत बैठा कर, तू अभी पहले पहले प्रेग्नेंट है, अगर तेरे को कुछ हो जाएगा ना तो ये कुछ भी कर सकती है, जादू टक टुंडर कर सकती है, तो इसकी कूक नहीं चलती, तो बांझड़ी है, बांझड़ी का मुँह देखने से पाप लगता है। में नहीं बुलाते हैं उसको, वहाँ जैसे ब्याह शादी है सगाई है वहाँ नहीं बुला सकते उसको, इसके इनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो इनके पल्ले पल पल्ला मत मिलाया करो, तुम्हारे भी बच्चा बंद हो जाएगा। तो और बोलेगा इसको क्यों ना दूसरी ले आएंगे, इसका बच्चा नहीं होता, और उसके बच्चा नहीं होएगा वो तो मारेगा उसको, थप्पड़ मारेगा, थप्पड़ मुक्का मार के उसको भगा देगा। मेरे पति ने ना उन लोगों की बातों में नहीं आए, उस पर बहुत उसको वश में करने की कोशिश करी, लेकिन परमेश्वर ने उनको वश में नहीं होने दिया कभी, लेकिन फिर भी उसने आके मुझे बता दिया मेरे आदमी ने कि मेरी मम्मी ऐसा बोल रही थी, मैं तेरी शादी करवा दूँ, तू वहाँ क्यों जा रहा है, एक एक घर में दो औरतें रह लेंगी, क्या होगा, वो भी पड़ी रहेगी कोने के अंदर, उससे क्यों डरता है, तो उसकी कौन सी औलाद है जो तू उससे डर के रहता है, किस चीज़ से तू उससे दबता है, कौन सी वो अपन पे पैसे वाले की बेटी है कि वो कुछ कर देगी, केस कर देगी वगैरह, ऐसा तू डर मत, मैं हूँ, तू शादी कर ले, तेरा वंश चल जाएगा, तेरा नाम का चल जाएगा, लेकिन मेरे आदमी तैयार नहीं हुआ कभी। परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं रो, परमेश्वर कहता है कि तू रो मत, तेरे लिए हमेशा तेरे मेरे द्वार खुले, तू खटखटाएगी तो मैं खोलूँगा, तू मांगेगी तो मैं दूंगा, लेकिन परमेश्वर के पास जब मैं आई हूँ ना तो मेरा जीवन काफ़ी बदल चुका है। अब मेरी सास भी ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं बोलती मुझसे, ना मुझे लोगों की बातों का टेंशन होता है, मैं किसी की बात नहीं सुनती, अब मैं परमेश्वर पे ध्यान देती हूँ, तो परमेश्वर की वजह से मुझे इतना दुख नहीं लगता है, लेकिन परमेश्वर ने मेरे आंसू पोंछे, परमेश्वर ने मेरे पति को इतने रास्ते पर ले आया, तो मुझे पूरा विश्वास है कि परमेश्वर एक ना एक दिन मेरी गोद ज़रूर भरेगा।
Outcast.